नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन को देखते हुए 21 व 22 अगस्त को महिलाओं के लिए रोडवेज व प्राइवेट फ्री बस सेवा करने का आदेश दिया था, लेकिन सिरसा में कुछ प्राइवेट बसों द्वारा महिलाओं से टिकट के पैसे लिए गए। हालांकि कुछ महिला यात्रियों द्वारा रोडवेज विभाग को शिकायत की गई, जिसके बाद रोडवेज प्रशासन ने प्राइवेट बसों में चेकिंग अभियान चलाकर महिलाओं के टिकट के पैसे वापस करवाए। इसके बाद रोडवेज विभाग ने प्राइवेट बस संचालकों को जमकर हड़काया और रोडवेज प्रशासन के कंडक्टर से टिकट को भी अपने कब्जे में ली गई और कल आरटीओ को टिकट सौंपी जाएगी। इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए रोडवेज विभाग के संस्थान प्रबंधक रतनलाल ने बताया कि विभाग ने 12 बसों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 6 बसों में महिलाओं से टिकट के पैसे लिए गए थे, जिसके बाद महिलाओं को टिकट के पैसे वापस दिलवाए गए हैं। ने 12-13 गाड़ियां चेक की हैं, तो 6 गाड़ियों में शिकायत मिली, तो सवारियों को किराया वापस कर दिया गया और जो टिकटें वगैरह हमने कलेक्शन करके और सवेरे उनकी कल 23 तारीख को रिपोर्ट बना के आरटीओ को भेज देंगे। कितनी महिलाओं से किराया लिया गया था? अलग अलग बसों के थे, जैसे एक गाड़ी थी सिरसा बरवाड़ी रूट की, उसमें 670 रुपये की टिकट कटवाई थी, तो उन्होंने उनको हम वापस कर दिए।